कोलकाता के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इस मौके पर एक बात जो सबसे अलग रही वो थी सीएम और राज्यपाल के बीच का व्यवहार। इस दौरान राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री बनर्जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उनके राजनीतिक कौशल के साथ साथ उनकी साहित्यिक गतिविधियों के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि जब एक महिला को समाज सम्मानित करता है तो सर्वशक्तिमान खुश होता है। उन्होंने ममता बनर्जी को समृद्ध रूप से योग्य महिला करार दिया। राज्यपाल बोस ममता बनर्जी और टीएमसी के जीते गए जनादेश का जिक्र करते हुए कहते हैं, ये सम्मान उनके राजनीतिक कौशल के लिए नहीं है। उन्हें पहले भी लोगों के विश्वविद्यालय से अपने राजनीतिक कौशल के लिए इसी तरह के पुरस्कार मिले हैं। ये साहित्य में, चित्रकला में, कविता में उत्कृष्टता की खोज की पहचान के लिए है। राज्यपाल बोस ने ममता को चर्चिल, मिल्टन, वाजपेयी के विकास के साथ उसी कतार में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसे कई जीनियस हैं जिन्होंने अपने कंधों पर राजनीति का भार होते हुए भी लेखन में अपनी छाप छोड़ी है। इस संदर्भ में चर्चिल, मिल्टन, वाजपेयी का जिक्र किया। गवर्नर ने कहा, मिल्टन के लेखन से सभी परिचित हैं, लेकिन साथ ही वो एक राजनेता भी थे। देश के राष्ट्रमंडल मामलों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। हालांकि राज्यपाल के बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल समेत जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तकरार आम हो गई है। बंगाल में इससे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे, जो अब देश के उपराष्ट्रपति हैं। उनके और ममता बनर्जी के बीच की तल्खियां किसी से भी छिपी नहीं है। जगदीप पर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया था। वो भी राज्य सरकार के खिलाफ लगातार बयान देते रहते थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।